सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देखिए, यहाँ पर लाल बटन और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमेशा देखिए अच्छे अच्छे वीडियोस की लिस्ट लगी पड़ी है। हर स्टॉक के बारे में हम थंबनेल में मेंशन कर देते हैं ताकि आपको ढूंढने में देखने में कोई परेशानी ना हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यस बैंक के बारे में बात करेंगे। बीएससी पे आज है 2 जुलाई 2019, एक बज चुके हैं और 102 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है, यानी 6 रुपये 75 पैसे की डाउन साइड है। 6% से ज़्यादा की गिरावट है। एक साल का जो इसमें लो बनाया था वो 98 रुपये का था और एक साल में हाई था 404 रुपये। तो हाई से आपको पता ही बहुत ज़बरदस्त गिरावट है इसमें, और गिरावट के कई रीज़न हैं, सिर्फ एक रीज़न नहीं है। पहली चीज़ तो मैनेजमेंट को लेके बार बार इस्तीफे जो होते रहते हैं, 4-5 बार इस्तीफे हो खेल लिया इन लोगों ने। आरबीआई की तरफ से एक एडिशनल बोर्ड मेंबर की नियुक्ति ताकि इन पे नज़र रख सकें और ये भी देख सकें कि अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, कितना एनपीए और है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो छुपा रहे हैं उसके लिए निगरानी के लिए उन्होंने बिठा दिया है। रेटिंग एजेंसियों ने बार बार यस बैंक के बारे में एक अलग अलग समय समय पर जो है ग्रेडिंग करते हैं, रेटिंग देते हैं, तो डाउनग्रेड करना। ऑफकोर्स एनपीए बढ़ा हुआ है, 1500 करोड़ का क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स में मेजर लॉस दिखाया प्रोविजनिंग की। इस प्रकार से कई सारे रीज़न जब मिलते हैं एक साथ तो उस कंपनी के उस स्टॉक प्राइस के ज़बरदस्त बिकवाली हो जाती है और वो बहुत नीचे आ जाता है। अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स में इनकी स्थिति अच्छी ऐसी आने वाली है ना। और बस एक ही हमें सावधानी बरतनी है, एक ही मैं सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको अभी भी लगता है कि इसमें हमें बाइंग करनी चाहिए तो यही स्ट्रेटजी हो सकती है कि हम थोड़ा थोड़ा माल उठाते रहें। अगर हम इसको पेनी स्टॉक समझें, क्यों ना समझे, बाहर $1 के अंदर का भाव जिसका होता है उसको पेनी स्टॉक बोलते हैं, तो 70 रुपये के हिसाब से हमारे इंडिया में भले ही 10 रुपये के नीचे का पेनी स्टॉक माना जाता है, 10 रुपये से नीचे, लेकिन अगर हम इसको कंसीडर करें कि $1 के आसपास है, $100 है, $1.50 के आसपास है, मान लीजिए रेटिंग एजेंसियों ने $90 का टारगेट दिया और फिर धीरे से कह देंगे कि 70 रुपये 50-60 रुपये तक भी चला जाएगा, अनोडाउट 400 से 100 रुपये तक चला गया है, 98 रुपये तक चला गया, तो 60 रुपये जाने में अगर यही हालात रहे आगे मैनेजमेंट को लेके और रिजल्ट्स को लेके तो जाने में कोई देरी नहीं लगेगी। तो ऐसे में यही हो सकता है कि हम इसे पेनी स्टॉक कंसीडर करें। तो पेनी स्टॉक जब कंसीडर करेंगे एक अच्छी कंपनी का तो क्यों ना हम हर गिरावट पर भरते जाएँ, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़बरदस्त में होल्डिंग बना रखी है और हर गिरावट पर भर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अगर हम आज की स्थिति देखते हैं तो हम देख ही चुके हैं कि प्रीवियस क्लोज जो कल की क्लोजिंग थी 109 रुपये पे थी, ओपन हुआ था 108 पे, हाई बनाया 108 पे, और करंट वर्तमान स्थिति है 102 और लो बनाया था 101 का। अगर हम ऑर्डर बुक में चलते हैं तो सेलिंग क्वांटिटी जो है 80 लाख के आसपास है और बाइंग क्वांटिटी 76 लाख के आसपास है। वॉल्यूम जो टोटल ट्रेडेड हुए हैं वर्तमान समय में 1 बज के आसपास, यहाँ पे 9 करोड़ समथिंग 89,94,852। तो ये स्थिति है और 20 जून को इन्होंने 98 का लो टच किया था। चलिए हम कुछ और देख लेते हैं, मार्केट कैप वगैरह भी देखना ज़रूरी है कितनी बची है। देखिए 23,745 करोड़ की मार्केट कैप है, अर्निंग पर शेयर है 7.42, पी रेशियो 13.80, बुक वैल्यू है 111, यानी कि बुक वैल्यू से भी नीचे प्राइस मिल रहा है, इतना सस्ता मिल रहा है, और प्राइस टू बुक है 0.92, इस हिसाब से भी सस्ता लग रहा है। तो और डिविडेंड ऑफकोर्स 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से उन्होंने डिविडेंड पे किया है, फेस वैल्यू 2 की है, और डिलीवरी कितनी पुअर है, मतलब अभी 12% के आसपास है। तो जब तक अच्छी डिलीवरी, अच्छी बाइंग नहीं हो गई तब तक इसमें ऊपर जाने की गुंजाइश अभी तक नहीं दिख रही।
हम फाइनेंशियल अगर एक नज़र मारते हैं इंटरेस्ट अर्निंग में, जो ब्याज से जो इनकी कमाई होती है बैंकों की, तो जून 18 में जो इनका इंटरेस्ट अर्निंग हुई थी, ब्याज से जो कमाई हुई थी, 6,578 करोड़। सितंबर 18 यानी क्वार्टर टू में 7,231 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2019 की बात कर रहे हैं। दिसंबर 18 7,958 करोड़, लगातार देखिए ग्रोथ है। और क्वार्टर फोर में मार्च 19 में 7,856 करोड़, यहाँ थोड़ी सी जो है इंटरेस्ट अर्निंग में कमी है, लेकिन लगातार क्वार्टर वन से फोर तक ठीक है। सब कुछ लेने देने के बाद जो बचता है जून 18 में क्वार्टर वन में 1,260 करोड़, सितंबर 18 में घट के 964 करोड़, दिसंबर 18 में 1,001 करोड़, वो भी जून से कम ही है लेकिन सितंबर से ज़्यादा है सॉरी। और सीधे मार्च 19 में 1,506 करोड़ का लॉस दिखाया प्रोविजनिंग की, कि भैया अब हमको कोई उम्मीद नहीं है, जो लोग नहीं पे कर पाएंगे उनको हम छोड़ देते हैं, तो हमें इतना लॉस दिख रहा है। टोटल एसेट्स जो इनका है कंपनी बताया बैलेंस शीट पे 3,12,445 करोड़ का, चलिए ये भी अच्छी बात है हम मान लेते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में 19.8% के प्रमोटर्स जो हैं उनके पास होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे 3.64% यहाँ पे गिरवी रखे हुए हैं स्टॉक्स। अच्छा, मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके पास 40% के आसपास है। तो जो प्रमोटर्स हैं, अब होता क्या है, अच्छा LIC भी है, देखिए हाइस्ट पब्लिक शेयर होल्डर LIC, अपनी आपकी फेवरेट चहेती, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिन्होंने होल्डिंग बना रखी है वो 13.96%। तो डिविडेंड अगर मैं कहूँ 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जो 3 जून 2019 को इन्होंने दिया है, तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं मिलता, रिटेल इन्वेस्टर्स के अलावा ये इनको भी मिला है, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी निवेशक हैं, उन सबको 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से मिला है। तो किनको ज़्यादा मिला है, प्रमोटर्स को भी मिला होगा ऑब्वियसली, इनके पास शेयर हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कितने हैं, 13.96%, इनको इतना मिला है। तो ये है कहानी असली। रिटर्न कितना बचता है वर्तमान 10 सालों में, 260% के रिटर्न मात्र दिखा रहे हैं, इतना गिर चुका है कि सारे जो कमाई थी रिटर्न थे वो सब खा गया। 5 सालों से 4 सालों से 3 सालों में 2 सालों में 1 सालों में ईयर टिल डेट, 6 महीने पहले जिन्होंने पैसे लगाए, 3 महीने पैसे जिन्होंने लगाए, 1 महीने पहले लगाए जिन्होंने, 1 वीक पहले जिन्होंने, आज भी पैसे इन्वेस्ट किए, उनका पैसा नेगेटिव रिटर्न। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी इस पर हमें भरोसा है, देखते हैं कहाँ तक गिरावट जाती है। कोई एक चीज़ मायने नहीं रखता इसमें कि किसी एक कारण से ये नीचे जा रहा है या एक कारण से ऊपर आएगा, बहुत सारी चीज़ें देखनी होगी। तो हमें अभी फाइनेंशियल ईयर 2020 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स भी का वेट रहेगा, और बजट भी आने वाला, हालांकि बजट में तो ज़्यादा सरकारी बैंकों पर ही फोकस रहता है, इन पर भी दबाव पड़ेगा, वो भी देखते हैं क्या होने वाला, बजट कैसा रहेगा, उसके बाद निर्णायक स्थिति बनेगी पूरे मार्केट की। और भी जो कंपनियां हैं, चाहे FMCG की हों, चाहे इंडस्ट्रीज हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की हों, चाहे उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो बजट के बाद ही उस पर निवेश किया जाएगा, या निवेश के लिए अगर हम चाहें तो रुक सकते हैं, थोड़ा बजट तक वेट कर सकते हैं। चलिए मैं वीडियो यहीं पर वाइंड अप करूँगा, फिलहाल मैं यही कहना चाह रहा था कहीं पेनी स्टॉक तो नहीं बनने जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, अगर कुछ आपको लगे और कुछ पूछना हो तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।